वो कह रहे हैं कि इनकम वो कंटेम्प्ट हो जाएगा, ये जेल चले जाएंगे, हमारे अधिकारी जेल नहीं जाने पाए, जबकि महाराज जी कोई भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा आदेश नहीं किया है। वर्तमान स्थिति में चयन बोर्ड भंग है, चयन बोर्ड का गठन नहीं है, और 3200 टीचर उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड हैं माध्यमिक विद्यालयों में। आज अगर चयन आयोग का गठन हो जाए और कल से विज्ञापन निकले और फिर ये परीक्षा करावें, उनको ज्वाइन करते करते 1.5 साल हो जाएगा। 3 की मेरी नियुक्ति है और इसी वेतन की बदौलत मेरे बुजुर्ग हो चुके माँ बाप की दवाइयाँ चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी ये संदर्भित नहीं है कि हम लोगों का वेतन बाधित किया। यही निवेदन है कि इन अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए हम लोगों का वेतन बहाल किया जाए और इनका कोई आदेश अभी तक 12 महीने में नहीं निर्गत हुआ है कि वेतन किस कारण से बाधित है। कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे जनपद प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, अम्बेडकर नगर है, गोडा है, अयोध्या है, जहाँ वेतन भुगतान नहीं हो रहे हैं। जब यही बात लोगों के जनपद जैसे उन्नाव है, क्या कहते हैं, कानपुर है, प्रयागराज है, जौनपुर, इन जिलों में अनवरत भुगतान होता चला रहा है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और इस वक्त हम लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर हैं। यहाँ काफी तादाद से शैक्षिक मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं, कि क्या क्या समस्या है। एक कट ऑफ डेट दे दी गई है, तो कट ऑफ डेट में केवल ये लिखा है कि दिनांक कितना तक सब अपने पदों पर अपडेट हो जाए। क्या नाम है? राजमणि सिंह। यहाँ पर आप लोग धरने की पर क्यों बैठे हैं, क्या मांगे हैं और किससे मांग कर रहे हैं? बरसों से हमारा वेतन बाधित है, बिना किसी लिखित आदेश के, बिना किसी वर्जन के, हम लोग बरसों से वेतन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आप लोगों की किससे मांग है कि आप लोगों का वेतन दिया जाए? हमारी इनसे मांग है, अधिकारियों से। महाराज जी तो हमारे 8-8 MLC भारतीय जनता पार्टी के हैं, महाराज जी से मिले तो महाराज जी ने जो उनसे बताया, MLC-ओं ने कहा, वो कह रहे हैं कि इनकम वो कंटेम्प्ट हो जाएगा, ये जेल चले जाएंगे, हमारे अधिकारी जेल नहीं जाने पाए, जबकि महाराज जी कोई भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा आदेश नहीं किया है कि हम लोगों को वेतन ना दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 16E11 के ऊपर है। हम लोग कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत आए हैं। विषम परिस्थितियों में जब चयन आयोग बंद था, चयन आयोग से अभ्यर्थी नहीं आते थे, जब साइंस और मैथ और इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हो जाता था और बच्चे अपना नाम कटा करके बाहर जा रहे थे, तब हम लोग उन विद्यालयों में पढ़ाने का काम किए हैं, जो महाराज जी को ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि चयन आयोग, चयन बोर्ड का हक मारा जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। वर्तमान स्थिति में चयन बोर्ड भंग है, चयन बोर्ड का गठन नहीं है, और 3200 टीचर उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड हैं माध्यमिक विद्यालयों में। आज अगर चयन आयोग का गठन हो जाए और कल से विज्ञापन निकले और फिर ये परीक्षा करावें, उनको ज्वाइन करते करते 1.5 साल हो जाएगा, और जिस विद्यालय में मैथ, इंग्लिश और साइंस का टीचर रिटायर्ड हो जाएगा, उनके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा उन विद्यालयों में? आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। ये कब तक इसी तरह धरना आप लोग जारी रखने वाले हैं? कब तक? जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अनवरत। आप लोगों को पूरा वेतन नहीं मिला है या कभी कभी मिलता रहा है, कितने समय? 25 वर्ष से वेतन मिल रहा था, कभी कभी नहीं, 25 वर्ष से। 2003 की मेरी नियुक्ति है और इसी वेतन की बदौलत मेरे बुजुर्ग हो चुके माँ बाप की दवाइयाँ चलती हैं, इन्हीं वेतन की बदौलत मेरे बच्चों की परवरिश होती है, इन्हीं वेतन की बदौलत बड़ी हो चुकी बेटी की शादी की ख्यालात आते हैं, और जब बीबी पूछती है कि शादी देख लो, तो कुछ जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वेतन के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है।
है और इसलिए अब घर नहीं जाना चाहते हैं कि जब बाप पूछता है कहता है मेरी दवा खत्म हो गई है तो मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास पैसे नहीं, कैसे अपने पिताजी की दवा ला सकूं। आप सभी लोग इसी जी मैडम, हाँ हम लोग काफी काफी दिन से वेतन मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है जी। कब से नहीं मिल रहा है? वो 2012 हो गया, वेतन नहीं प्राप्त हुआ है। आगे हम लोगों की सर्विस 18 वर्ष की हो चुकी है, 18 वर्ष से लगातार हम लोगों को वेतन प्राप्त हो रहा था। ये विगत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमको 12 महीने से वेतन हमारा बाधित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी ये संदर्भित नहीं है कि हम लोगों का वेतन बाधित किया। अपनी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहने की कोशिश, हम यही चाहते हैं बार बार ये अधिकारी हमारे नेताओं हमारे मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके ये वेतन बिना किसी आदेश के हमारा बाधित किए हुए हैं। हम महाराज जी से यही चाहते हैं, यही निवेदन है कि इन अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए हम लोगों का वेतन बहाल किया जाए। और इनका कोई आदेश अभी तक 12 महीने में नहीं निर्गत हुआ है कि वेतन किस कारण से बाधित है। 99% हम लोग जिसमें मुख्य रूप से जो एक सबसे बड़ी समस्या पूरे प्रदेश की है शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 12 महीने से जो वेतन ऑलरेडी अवरुद्ध है, इसमें कई जनपद ऐसे हैं जो अनवरत भुगतान करते चले आ रहे हैं। कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे जनपद प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, अम्बेडकर नगर है, गोड़ा है, अयोध्या है, जहाँ वेतन भुगतान नहीं हो रहे हैं। जब यही बात हो कि जनपद जैसे उन्नाव है, क्या कहते हैं, कानपुर है, प्रयागराज है, जौनपुर, इन जिलों में अनवरत भुगतान होता चला रहा है। मैं ये नहीं समझ पाता ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सा कानून है कि यही समस्या है, लेकिन अन्य जनपदों में भुगतान हो रहे हैं, कुछ जनपदों में भुगतान नहीं हो रहे हैं। यह एक विषम परिस्थिति है। हमारी ये मांग है जो 12 महीने से जिन जनपदों में भुगतान नहीं हुआ है उन जनपदों में भुगतान किया। सभी शैक्षिक साफ तौर पर यहाँ पर धरने में बैठे, इनका इल्जाम है कि कुछ अधिकारी हैं जो इनका वेतन रोके हुए हैं, इनकी ये गुहार है। ये प्रधान प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले और इनका वेतन बहाल किया जाए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तपास, वो PM News।